Hello and welcome. Today we are going to have a very quick discussion on random access memory, also known as RAM. So let's start our discussion with the introduction. What is RAM? So RAM ko hum read write memory, main memory ya primary memory bhi kehte hain. Primary memory kya hai? Janne ke liye aap upar diye hue I button pe click kar sakte hain, jahan bahut easily aap pata kar payenge difference between primary and secondary memory. तो RAM क्या है? RAM एक memory area है, एक storage space है, जहाँ पर कोई program जो execute हो रहा होता है, उसको हम लोग store करते हैं, जिसके वजह से CPU उस data को या उस program को बहुत जल्दी access करने में capable होता है, जिसके वजह से आपकी जो RAM होती है, वो faster होती है in nature. RAM जो है वो एक volatile memory है. Volatile का मतलब है कि जब आप system को shut down करते हैं तो उसमें जितना भी content, जितना भी data होता है वो loss हो जाता है. इस तरह की device किसी भी data को without power supply retain नहीं कर सकती. आगे बढ़ते हैं, different types of RAM. तो RAM दो तरह की है, SRAM and DRAM, जिसको आप static RAM और dynamic RAM भी कहते हैं. तो let's start with the first one, static RAM यानी कि SRAM. Now static RAM is basically random access memory. यहाँ पे random access memory का मतलब क्या है कि आप memory की किसी भी location को randomly access कर सकते हैं without considering कि आपने last access data क्या था, आपका last access location क्या थी, उसको consider किए बिना आप randomly किसी भी location को access कर सकते हैं. Hence it is random access memory. Now static क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस तरह की डिवाइस का कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली एक डी फ्लिप फ्लॉप के तरह से होता है, या फिर आप ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं जो आपको कंटीन्यूअस पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, और उस पावर सप्लाई की वजह से वो डेटा को होल्ड कर पाता है. जैसे ही ये पावर सप्लाई आप बंद करेंगे, ये जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा. तो एक कंटीन्यूअस पावर सप्लाई मिल रही है और आपकी डिवाइस को एडिशनली कोई काम नहीं करना पड़ रहा है एनर्जी को रिटेन करने के लिए, आपको उसको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. वहीं पे अगर हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, जिसको हम कहते हैं डीरैम, तो डीरैम का कंस्ट्रक्शन कैसा है? वो फ्लिप फ्लॉप्स की जगह कैपेसिटर्स को यूज करता है. नाउ कैपेसिटर का नेचर कैसा है कि जब भी आप कैपेसिटर यूज करेंगे तो थोड़े समय के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज होने की वजह से उसकी एनर्जी लो हो जाएगी और जितना भी डेटा उसमें होल्ड होगा वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा. अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डेटा लॉस हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सप्लिसिटली रिफ्रेश या रिचार्ज करना पड़ेगा, जिससे मैं उसको फिर से पावर दूंगी, रिचार्ज करूंगी और वो अपना डेटा को रिटेन कर पाएगा. नाउ डायनेमिक इसी वजह से हम उसको कहते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट चेंज या कॉन्स्टेंट एक्शन उसके साथ हमें कंटिन्यूसली करना पड़ता है, कंटिन्यूसली उसको रिफ्रेश करना पड़ता है. हेंस द डिवाइस इज डायनेमिक इन नेचर. सो इट इज SRAM जिसको आप रिफ्रेश नहीं करेंगे, एंड DRAM जिसको आपको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ेगा. इसी तरह के कुछ और हमारे डिफरेंसेस हम SRAM और DRAM में यहाँ पे समझ लेते हैं. SRAM का सर्किट एक डी फ्लिप फ्लॉप जैसा दिखेगा और DRAM में आप सिर्फ एक कैपेसिटर यूज करेंगे. SRAM में आपको उसको बार बार रिचार्ज या रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, जबकि DRAM में हम उसको डेटा को होल्ड करने के लिए रिचार्ज या रिफ्रेश करते रहेंगे हमारी डिवाइस को. SRAM एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, वहीं पे DRAM जो है इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि हम पावर को थोड़ा सा सेव कर पा रहे हैं. कंटिन्यूस पावर नहीं है, थोड़े समय के लिए पावर रिटेन करवाते हैं कैपेसिटर में और उसको फिर रिफ्रेश करते हैं और फिर पावर को यूज करते हैं. इस वजह से इट इज लेस एक्सपेंसिव. नाउ SRAM इज फास्टर डिवाइस, यानी यहाँ पे डेटा को आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देर इज नो लैग बिटवीन पावर, जबकि DRAM में थोड़ा थोड़ा लैग रहेगा पावर को दोबारा से रिफ्रेश करने के दौरान. हेंस इट इज अ स्लोअर डिवाइस. SRAM में हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो कंपैरेटिवली कम होता है साइज में, और DRAM में जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं या प्रोग्राम्स हम लोग जो स्टोर करते हैं वो साइज में थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो DRAM ज्यादा डेटा होल्ड कर सकती है और SRAM थोड़ा कम डेटा होल्ड करती है. कुछ दो तीन पॉइंट्स और हैं, जैसे कि पावर कंजम्पशन. तो SRAM ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि हम उसको कंटीन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं, जबकि DRAM को हम इंटरवल्स में रिचार्ज कर रहे हैं, इसलिए पावर कंजम्पशन कम होता है. सिंस जितना ज्यादा आप पावर कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, इसी वजह से SRAM ज्यादा हीट रिलीज करता है जबकि DRAM लेस हीट रिलीज करता है. अगर आप SRAM की बात कर रहे हैं तो SRAM टाइप की मेमोरी को आप कैश मेमोरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और DRAM को आप रेगुलर या कन्वेंशनल RAM की तरह से यूज कर सकते हैं. ये जो आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं, इट इज सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ SRAM. आप देख पाएंगे इट इज डी फ्लिप
फ्लिप फ्लॉप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह का, जबकि DRAM का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है बिकॉज इट यूजेस सिंगल कैपेसिटर। तो इस ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन SRAM एंड DRAM। अब क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातों के बारे में अबाउट योर RAM। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का सबसे पहला एडवांटेज है इसकी स्पीड। RAM इज वेरी फास्ट डिवाइस और जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनसे बहुत फास्ट नेचर में काम करने वाला या एक्सेस टाइम बहुत कम होता है हमारी RAM का। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। RAM में जो डेटा या प्रोग्राम्स आप होल्ड करते हैं उनको बहुत ईजिली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप डिलीट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कैपेसिटी, RAM की कैपेसिटी ऑल्दो बहुत कंपैरेटिवली कम होती है आपके सेकेंडरी स्टोरेज से, बट अगर हम चाहें तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम RAM को अपग्रेड कर सकते हैं, RAM का साइज हम बढ़ा सकते हैं। देन लास्ट एडवांटेज इज पावर मैनेजमेंट। RAM आपकी कम पावर कंज्यूम करता है अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जैसे कि SSDs या हार्ड ड्राइव से अगर उसको कंपेयर करें तो इट कंज्यूम्स लेस पावर। तो ये तो रही अच्छी बातें, कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो मेजर डिसएडवांटेज है इट्स वॉलेटिलिटी, यानी कि दिस डिवाइस इज वॉलेटाइल इन नेचर, ये डेटा को या प्रोग्राम को होल्ड नहीं कर पाती है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होता है डेटा हमारा सारा लॉस हो जाता है। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ RAM। सेकेंड इज कैपेसिटी। RAM में आप जो डेटा होल्ड कर सकते हैं इज स्मॉलर इन साइज, यानी आप बहुत कम अमाउंट ऑफ डेटा RAM में होल्ड कर पाएंगे अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज से कंपेयर करें तो। एंड थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट। RAM की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में आप ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, जबकि RAM की कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो कम डेटा होल्ड कर सकता है। बट जो फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग RAM यूज़ करते हैं इसका एक्सेस टाइम, क्योंकि एक्सेस टाइम कम होता है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ RAM। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ ROM, रीड ओनली मेमोरी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।